जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ की और फिर करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। कैप्रिकॉन, ओके, आई थिंक अभी आप सिंगल हैं और मे बी यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर लाइफ, और अगर आपकी लाइफ में कोई है देन ऑल्सो आई थिंक ठीक है, कुछ हो सकता है, कोई बातचीत चल रही हो, और मे बी देर इज अ थर्ड पार्टी, और मे बी यू आर ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें यू नो चल रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ओके, आई थिंक ये जो पर्सन है ना, आप लोगों के भी कन्फ्लिक्ट चलती रहती है, दिस अ पार्ट ऑफ योर यू नो लाइक स्टोरी, और कन्फ्लिक्ट है, थोड़ी सी मेंटल कन्फ्लिक्ट है, बरीड इमोशंस हैं, अंदर दबा के रखा हुआ है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूरी पे हैं, या एक दूरी आ चुकी है आप लोगों के बीच में, यू नो। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न के लिए इट्स अबाउट लाइक यू आर कनेक्शन में होते हुए भी सिंगल। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, बट यही मुझे दिखाई दे रहा है। और सिंगल कैप्रिकॉर्न अगर आप हैं तो आई थिंक अपने आप पे फोकस है, अपने आप पे ध्यान है, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ओके। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का? देखिए, बिट्रेयल है, ठीक है, समबडी वॉकिंग अवे फ्रॉम द कनेक्शन, या हो सकता है थर्ड पार्टीज मुझे दिखाई दे रही हैं, और डेफिनेटली वी हैव अ थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो वट एल्स डू यू वॉन्ट टू नो? लेट्स फाइंड आउट मोर। मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न के लिए इट्स अबाउट अपने आप को जितना आप बैलेंस कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर आप मैरिड कनेक्शन में हैं तो आई थिंक वो उतना ट्रस्ट नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बोला, आप लोगों के बीच में एक वो मेंटल वो दूरी है, यू नो, एंड इट्स अबाउट कि कुछ लोग एक्चुअली में, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूरी पे रहते हों, तो वो चीज़ भी हो सकती है, और रिफ्यूज़ल, ठीक है, बस इट्स अबाउट लॉयल्टी, इट्स अबाउट यू नो ट्रस्टिंग ईच अदर, इट्स अबाउट कि ठीक है आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप लोगों के बीच में वो चीज़ है कि आप जाके भी कुछ नहीं कर सकते, और यू नो कभी कभी लाइक यू नो जो आप डिज़र्व करते हैं वो पर्सन, ये शायद पर्सन वो आपको उतना नहीं दे पाते हैं इन लव कॉन्टेक्स्ट या व्हाट एल्स, तो ये आप शायद एक मिसिंग पार्ट है आपकी लव लाइफ का। येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, बिकॉज देयर इज़ एनर्जी ऑफ रिफ्यूज़ल, वी हैव दैट फोर ऑफ कप्स एनर्जी, राइट, एंड यू आर काइंड ऑफ लाइक पैशनेट पर्सन, आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए बट कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है, यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और अभी आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज काइंड ऑफ यू नो इन एनी मूड टू टेक एनी लाइक मूव टूवर्ड्स यू। चलिए अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के करियर की। ओके, करियर वाइज अगेन आई थिंक इट्स अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस, वी हैव अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, एंड अगर आपको कोई चीज़ हैप्पी नहीं रख रही है दैट आई थिंक यू विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न के लिए। वट एल्स इज़ कमिंग फॉर द कैप्रिकॉर्न दिस वीक, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, ओ माई गॉड, समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप फॉर द लाइक कैप्रिकॉर्न, बट एक चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया तो हो रहा है बट अगेन इट गेट्स स्टक समवेयर, यू नो, मतलब स्टक हो जाती हैं चीज़ें, आगे बढ़ नहीं पाती हैं, या ठीक है नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ग्रोथ भी हो रही है, बिकॉज ब्रश आपके हाथ में है, आप अपनी लाइफ, यू आर पेंटिंग योर लाइफ एज यू वॉन्ट, ठीक है ना। बट इट्स ओके, आई थिंक ग्रोथ है, आप आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज आपके ड्रीम्स हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यू नो यू आर ट्राइंग टू रियलाइज यू। ओके,
Yes, you need to heal yourself. There is, oh my God, Capricorn, there is love also coming towards you, or maybe new doors are opening up for you in love. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. या हो सकता है कि आपने खुद के ही जो दिल के दरवाजे को वो कुंडी लगा ली है, तो आपको उसको खोलने की ज़रूरत है. यू नो वट आई एम लाइक ट्राइंग टू टेल यू, इट्स अबाउट कि ठीक है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके पास है आप उसको अप्रिशिएट कीजिए. डोर टू पर्सनल, सबसे पहले पर्सनली अपने साथ, अपने आपके साथ कनेक्शन बिठाना बहुत ज़रूरी है, हील होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि वो जो डोर्स हैं डिवाइन वो आपके लिए खोल रहे हैं, सो दिस इज़ अ गुड थिंग. अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, यू नो, सो यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और मे बी थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, वो चीज़ें हो पॉसिबल हो सकती हैं, या इन लव ऑल्सो. तो इट्स ऑल अबाउट, कुछ लोगों के लिए कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो ओवर हो चुके हैं. नाउ यू नीड टू हील योर सेल्फ. ये सारी चीज़ें मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए दिख रही हैं. सो अपने दिल, लाइक ओपन अप योर हार्ट स्पेस, और पुराना जो हो गया उसको भूल जाइए, आगे की तरफ बढ़िए और अपने दिल का दरवाज़ा खोलिए. सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.